नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में भी कांग्रेस की लुटिया डूबती हुई दिखी। अगर हम भीड़ के हिसाब से बात करें तो टाउन हॉल जहां कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया वहां की भी आधी कुर्सियां खाली पड़ी थी। इससे कांग्रेस की वास्तविक वस्तु स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस की कमजोरी का दूसरा प्रमाण था कि कमलनाथ की उपस्थिति में भी कांग्रेसियों के बगावती तेवर में कोई कमी नहीं आई। आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने अपने आप को घोषित तौर पर लोकसभा चुनाव से अलग कर लिया था, ठीक उसी पैटर्न पर बिना घोषणा के कांग्रेस के स्थापित नेताओं ने महापौर चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। कमलनाथ की उपस्थिति में भी राधा राम त्रिपाठी, मसूद अहमद सेरू, मनीष तिवारी, रवीन सिंह सेठी, राजभान सिंह जैसे नेता मंच से तो नदारा दिखे ही, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। हालांकि डब्बू समर्थक नेता अनुपस्थित कांग्रेसी नेताओं को जनाधार विहीन नेता मानते हैं। डब्बू समर्थक तो यहां तक कहते हैं कि इन नेताओं को भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। कमलनाथ के भाषण में भी ऐसा कोई सम्मोहन या ऊर्जा भरने वाला भाषण नहीं दिखाई पड़ा जिससे कि कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए। जिस सवाल पर तमाम कांग्रेसी नाराज हो गए, और शिवराज सिंह ने भी एक प्रश्न उठाया था कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है इसलिए कांग्रेस ने विधायक को टिकट दे दिया, इसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने विधायक को टिकट दे दी। बहुत लंबी चालू बातें करेंगे शिवराज जी, मेरे से कहा गया कि सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक है, सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक है, इसको आप नगर निगम का क्यों चुनाव लड़ा रहे हो? शिवराज जी, हम आपका भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं इसलिए हम इसे चुनाव लड़ा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ सतना में है? यदि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है तो कमलनाथ को पूरे प्रदेश में भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरे प्रदेश में विधायकों को टिकट देनी चाहिए। हालांकि कमलनाथ जनता को अपने तर्क से संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह बात आम आदमी के गले के नीचे से नहीं उतर रही है। विधायक के महापौर बन जाने से भला भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? जब कमलनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, उस समय आरोप लगता था कि पूरी सरकार स्थानांतरण उद्योग में तब्दील हो गई है। ऐसे में भला एक विधायक के महापौर बन जाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? यह समझ से परे है। राजनीति के संबंध में यह बात बड़ी प्रभावी ढंग से कही जाती है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। कमलनाथ की उपस्थिति में अनिल अग्रहरि शिवा ने सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को जिताने की अपील की, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में अनिल अग्रहरि शिवा अपने करीबी लोगों से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को हराने की अपील कर रहे थे। हालांकि ऐसी अपील उन्होंने कहीं सार्वजनिक तौर पर नहीं की थी, गोपनीय तौर पर थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अनिल अग्रहरि शिवा सिद्धार्थ कुशवाहा की टीम में शामिल होकर उन्हें जिताने की अपील करने लगे, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में अनिल अग्रहरि शिवा अजय सिंह राहुल एंड कंपनी से विधानसभा की टिकट मांग रहे थे। कमलनाथ के इस सतना यात्रा से एक महत्वपूर्ण बात उभर कर जो सामने आई है वह यह कि कमलनाथ ने सिंधी वोटरों पर फोकस किया है। सईद अहमद के बसपा में शामिल हो जाने के बाद सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को यह लगता है कि वो वोटों की भरपाई सिंधी वोटरों से की जा सकती है। सतना शहर में तकरीबन 15,000 सिंधी मतदाता है, इसलिए आज कमलनाथ ने सिंधी गुरुद्वारा में मत्था टेक कर यह बताने की कोशिश की कि कमलनाथ सिंधियों के बहुत बड़े पैरोकार हैं। अब देखना यह है कि किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने से क्या सिंधी मतदाताओं पर असर पड़ता है, क्या सिंधी मतदाता सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के पक्ष में मतदान करेंगे। आज के दिन एक बात यह रही कि पूर्व महापौर पुष्कर सिंह अब कांग्रेस के हो गए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके अलावा खबरें अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए।